सस्पेंस क्यों बना रहे हैं? सो गाइस, बॉलीवुड की तरफ से एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है रेड रूम। जहां वेब सीरीज में आपको पूरे 6 एपिसोड देखने को मिलते हैं एंड हर एक एपिसोड की लेंथ आपको 25 से 20 मिनट के आसपास ही देखने को मिलती है। एंड ये वेब सीरीज आपको हंगामा म्यूजिक के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। सो आइए बात करते इसी वेब सीरीज के बारे में कि आपका पॉइंट मोस्ट टाइम डिजर्व भी करती है कि नहीं। रेड रूम जहां वेब सीरीज की स्टोरी लाइन बेस्ड है टिया के ऊपर, जो की एक बिजनेस वूमेन है, जहां उसका पति उसके साथ उसी के बिजनेस में काम करता है। एंड उसके पति की उसके बिजनेस में इतना ज्यादा काम करने की वजह से वो अपनी पत्नी को टाइम ही नहीं दे पाता। जहां इस चीज से टिया जो कि एक एंजाइटी का शिकार हो जाती है। एंड इसी चक्कर में जब टिया अपनी फ्रेंड से सलाह लेती है तो उसकी फ्रेंड उसे एक रेड रूम क्लब के बारे में बताती है, जहां लोग अपने मन के सेटिस्फेक्शन के लिए वहां जाते हैं। जहां उस क्लब में टिया को एक करण नाम का आदमी मिलता है जिससे उसे कंफर्टेबल फील होता है। एंड इसके बाद वेब सीरीज में आपको बहुत सारे सस्पेंस रिवीलिंग पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि ऑफकोर्स ज्यादा अच्छे तो नहीं है, बट हाँ काम चलाओ तो है ही। सो क्या टिया की फ्रेंड ने उसे कंफर्टेबल करने के लिए सलाह दी थी या इसका कुछ और ही रीजन है, वो जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज को देखना होगा। जहां मैं बात करूं अपनी की वेब सीरीज में पर्सनली कैसे लगी, सो इट्स अ बिलो एवरेज वेब सीरीज। बिकॉज़ जब आप ये वेब सीरीज देखते हो तो आपको ये फील होता है कि वेब सीरीज जबरदस्ती ही खींचा जा रहा है। ऑफ कोर्स वेब सीरीज में आपको कोई भी यूनिक स्टोरी लाइन देखने को नहीं मिलती। एंड जब ये वेब सीरीज आप देखते हो तो इसमें आपको टीवी सीरियल जैसा ही फील आता है। एंड सेकंड एपिसोड को देखते ही आपको आइडिया लग जाता है कि लास्ट में क्या सस्पेंस आने वाला है। जब वेब सीरीज में आपको एडल्ट सीन्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि ऑफ कोर्स ज्यादा ही है। एंड ये वेब सीरीज आपको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करता। वेब सीरीज का स्क्रीन प्ले भी आपको बहुत ज्यादा स्लो ही देखने को मिलता है। सो फ्रॉम माय साइड दिस वेब सीरीज कांट डिजर्व योर इंपोर्टेंट बस्ट टाइम। If you want to watch, you can watch alone. Because web series में आपको adult series देखने को मिलते हैं, so you can decide किसके साथ देखना और किसके साथ नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने ये web series देख लिया तो मुझे comment करके जरूर बताना कि क्या आपके personal opinion इस web series को लेके। And चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe करना, इस वीडियो को like करके share जरूर करना। And और reviews के लिए देखते रहिए Watch & Video।